आंदोलन में सभी ने अपनी आहुति दी, लेकिन किसी को आहुति देते समय उनके ऊपर पुलिस केस किए गए। तो मैं सबसे पहले हमारे लीगल सेल के डॉक्टर राहुल कट्टा भी, जो हमारे रीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो इस कार्य को देख भी रहे हैं। तो उस आंदोलन के दौरान किसी के ऊपर भी पुलिस केस अगर हुए हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। इसके लिए आज हम केवल इस समझौता पत्र की बात कर रहे हैं, और इसमें यह था, इस आंदोलन को करने से पूर्व भी हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बताया था कि 50 बेड से नीचे वाले जितने भी अस्पताल हैं उनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से और फायर एनओसी में, एसटीपी में, हर जगह उन्होंने सुविधाएं देने का हमें कहा था। सेकंड बात मैं अभी कहना चाहूंगा फायर एनओसी के बारे में। फायर एनओसी, बीएमडब्ल्यू की रेट्स और इस तरीके के कई काम होते हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स, ये मैं इनसे पहले एक बात कहना चाहूंगा। डॉक्टर का काम क्या है सर? मरीजों का इलाज कराना। लेकिन मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर जो सिंगल क्लिनिक है, जो कपल हॉस्पिटल है, जो छोटे हॉस्पिटल है, जो मैक्सिमम आपको सेवाएं प्रदान गांव में, छोटे सिटीज में और शहर के भी निम्न और मध्यम वर्ग में करते हैं, वो लोग जिस समय मरीज देखने का समय होता है उस समय या तो वो फायर एनओसी के लिए जाए, या वो एसटीपी के लिए जाए, या बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जाए, रेगुलराइजेशन के लिए जाए, या पीसीपीएनडीटी के, एमटीपी के, किसी भी लाइसेंस के लिए घूमता रहे। तो हमने उनसे जो बात की कि सब इनको करके आप एक सिंगल विंडो करें ताकि एक ही जगह पे सारे लाइसेंस मिल जाए, जो भी हमारी ग्रीवेंसेस हैं वो भी एक जगह आ जाए। आप लोगों ने नोटबंदी में देखा होगा, वो मजदूर काम कर रहा है, उसको बड़ा नोट हो गया, अगले दिन वो उस नोट को कराने के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो डॉक्टर्स को कृपया कृपया कृपया, डॉक्टर्स का मतलब मैं पूरे मेडिकल चिकित्सक जगत के लिए कहूंगा, जो हमारे साथ के कर्मचारी, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर ही हमारा एक तंत्र बनता है, उनको काम करने दीजिए, एट ईस्ट काम करने दीजिए। सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम, सबका स्वागत है। आज से एक साल पहले आरटीएच आंदोलन, जो कि शायद विश्व का मेडिकल का, डॉक्टर्स का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें करीबन 1,00,000 लोग, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जयपुर की सड़कों पे आंदोलन के महारैली के रूप में निकले थे, जिसके आप शायद सब गवाह होंगे, आपने कवरेज दिया होगा। वो क्यों हुआ, आप उसकी पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, जिनका जुम्मा होता है प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं का देने का, आज प्रदेश में 70% के करीबन प्राइवेट सेक्टर द्वारा चिकित्सा सेवाएं दी जा रही है। ये क्यों दी जा रही है? क्योंकि सरकारी तंत्र नहीं दे पा रहा पब्लिक को ये सेवाएं। फिर भी आज प्राइवेट सेक्टर द्वारा सरकार की सारी योजनाएं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आरडीएचएस योजना हो, सरकारी रेट पे वो सेवाएं दे रहे हैं। उसके उपरांत भी इन प्राइवेट डॉक्टर्स और अस्पतालों में ऐसे नियम और कायदे लाके उनको हैरेस करते हैं, ऐसे आंदोलन उपस्थित हैं और सड़कों पे डॉक्टरों को आना पड़ता नहीं। आज से पहले कभी भी डॉक्टर ऐसे सड़कों पे नहीं आए, जो अपनी मरीज, जो मानवता पीड़ित मरीजों की सेवा करते हैं उनकी पीड़ा को कौन देखेगा। हम चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स की पीड़ा को आप उजागर करें, सरकार को बताएं, जनता को बताएं, हमारी जो समस्याएं हैं वो उनके, आप उसमें जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा हमें 50 के राउंड तो लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल किसी कस्बे में है, छोटे से में, और एक आवासीय परिसर में चल रहा है, और आवासीय परिसर में चलना इसलिए जरूरी है कि वो जंगल में खोलेगा तो पब्लिक कहां से आएगी, जहां आसपास के लोग पीड़ा में आते हैं वो तुरंत ही उसको इलाज मिल जाए, वो सारी इलाज दे रहे हैं, तो उनका रेगुलराइजेशन ऑफ हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि सरकार ने वादा किया था वो सरकार ने अभी तक वादा नहीं निभाया। ऐसी फायर एनओसी के लिए आज हर अस्पताल मोटी मोटी रकम घूस के तौर पे दे रहा है, उनका रिन्यूअल 5 साल किया जाए। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका समाधान सरकार को करना चाहिए। नमस्कार, जैसा कि आपको अभी विदित कराया गया, एक वर्ष के पश्चात भी जो मेमोरेंडम है वो ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि सबसे बड़ी एसोसिएशन है, सबसे बड़ी संस्था है डॉक्टर्स के हितों की और समाज के हित की भी, और एक बहुत बड़ा सेतु है
समाज और डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस और जो सरकार है उनके बीच का। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान स्टेट की ये कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाह रहे हैं, उनको हम कहना चाह रहे हैं कि कृपया इस मेमोरेंडम पे ध्यान दें। और जो तीन प्रमुख मांगें हमारी हैं, फायर एनओसी को 5 साल का करना एक साल की बजाय, उसका प्रावधान 5 वर्ष का होना चाहिए, तुरंत सिंगल विंडो लाइसेंस सिस्टम लागू किया जाए, और तीसरा नियमितीकरण जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गाये बेगाये जो नोटिसेस आते हैं वो एक हैरेसमेंट होता है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर के लिए एक उन्मुक्त वातावरण में चिकित्सा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो उन्मुक्त वातावरण में चिकित्सा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हास होगा मेडिकल फ्रेटर्निटी का और पूरे चिकित्सा वर्ग का। इसलिए उनको रेजिडेंशियल एरिया में भी हैं तो नियमितीकरण करना चाहिए। इस बारे में पहले कोटा मॉडल लागू हो चुका है, तो क्यों राज्य सरकार इसमें देर कर रही है? आपने एक प्रश्न उठाया कि क्या हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, क्या हम और लोगों से मिले हैं नई सरकार में? तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम हर प्रत्येक दिन करीब करीब हर प्रत्येक अधिकारी से मिले हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ से मिले हैं, फाइनेंस से मिले हैं। हम हर अधिकारी के पास जाके हमारी बात को रख रहे हैं, मेमोरेंडम उनको दे रहे हैं। अभी कुछ ये आचार संहिता का भी वो लोग कह रहे हैं कि लागू है, इसलिए वो थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, पर क्योंकि ये 1 वर्ष इस बात को हो चुका था और आज उसकी एक तरह से एनिवर्सरी है, हमने इस मौके का एक तरह से लाभ उठाते हुए जनता तक और हमारी जो पीड़ा है पॉलिटिशियंस तक और ऑफिसर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आरटीएस समझौते के दौरान जो राज्य सरकार से सभी चिकित्सक संगठनों का जो समझौता हुआ, उनके प्रमुख बिंदु हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे साथियों ने आपको अवगत करा दी है। इसके अलावा, इन बिंदुओं के अलावा भी मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। चिकित्सा हेल्थ केयर सेक्टर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है अमंग दी इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चिकित्सा के क्षेत्र में होता है और चिकित्सा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का विषय है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उपरांत भी राज्य सरकार ने 2022-23 का कुल चिकित्सा बजट 22,000 कुछ करोड़ रुपए था, जिसको 23-24 में घटाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया, 22% कम कर दिया गया। भारत में हम हमारी जीडीपी का सिर्फ 2% हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, जो कि अन्य विकसित देशों के या विकासशील देशों से बहुत कम है। इवन ब्रिक्स कंट्रीज भी 5%, इवन जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं वहां पे भी 3.5-4% जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्चा होता है। हमारी आने वाली सरकार से यही मांग है कि हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर अपना अनुदान, अपना योगदान बढ़ाए, नए इंसेंटिव्स दे, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए टूरिज्म की जैसे इसको एक उद्योग श्रेणी के अंदर लाया जाए, एमएसएमई के बेनिफिट दिए जाएं, ताकि हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम लागू हो, पड़ोसी राज्य ही नहीं पड़ोसी देश के लोग भी हमारे यहाँ पर इलाज करवाने आए, हमारे राज्य के जितने भी निवासी हैं उनको एक बेहतर सुविधा हम सब मिलके दे पाएं। और इसके लिए हमारा संगठन और हमारे राज्य के सभी चिकित्सक पूरी तरह से राज्य सरकार का सहयोग करने को कटिबद्ध हैं, चाहे सरकार पहले थी चाहे सरकार आज है। हम अधिकारियों से भी मिलते हैं, मंत्रियों से भी मिलते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही डिमांड रहती है, हमें प्लीज आप एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुविधाएं दें। हम जो कार्य करना चाहते हैं वो हम किसी परेशानी में नहीं हो, हमारे को कोई तकलीफ नहीं हो, ताकि हम इधर उधर परेशान होने की बजाय मरीजों का काम ज्यादा अच्छे से कर पाएं, उनको एक क्वालिटी हेल्थ केयर दे पाएं। इस पे बिजली की रेटें, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री स्टेटस, हमारी वेरियस एनओसीज लाइक फायर एनओसी हैं या दूसरे लाइसेंसेज हैं, इन सब के अंदर, दूसरा जो हमारा बिल्डिंग रेगुलेशन है, हमारे को रियायती दरों पे जमीन का आवंटन है या और जो कोई भी रियायतें, जैसे कि राज्य सरकार ने रिप्स टू राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्लान 2019 और 2022 में भी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुछ घोषणाएं की थी,
वो घोषणाएं भी अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। इसी तरीके से एक स्पेशल जोधपुर के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए एक अलग से पार्क बनाया था, उसको भी सुविधाएं लागू नहीं हो पाई हैं। राज्य सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक MRI PPP मॉडल पे लगवाने की बात कही थी, उसके EOI की इतनी शर्तें डिफिकल्ट कर दी गई कि आज तक सिर्फ दो ही लगी हैं। सो PPP मॉडल को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम सरकार से लगातार बातचीत में हैं। मीडिया कर्मी, मीडिया बंधुओं से, मीडिया हाउसेस से हमारा अनुरोध यही है कि जनहित में और राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को क्वालिटी वाला बनाने के लिए और सबको सुविधाएं देने के लिए इन मांगों को अपने मीडिया के माध्यम से उठाएं। धन्यवाद। इसी समय जब आप सब मीडिया को यहाँ पर उपस्थित हैं तो रोज आने वाली समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे। मैं तो वो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से संबंधित 25 लाख का बीमा उन्होंने घोषित किया हुआ और बहुत सारे लोगों से तो 800,000 रुपए की वजह से बीमा तो नहीं है, पर उसका फायदा किस तरह से कैसे लोगों को मिल रहा है इसके बारे में आपको एक बार रिसर्च करनी चाहिए। बड़ा मुझे लगता है कि पेपर में जानना चाहिए क्योंकि आप लोग भी उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं या जिनको फायदा नहीं मिले उनमें से हो सकते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं दूर दूर से, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई धौलपुर से आ रहा है। इधर देखो, मैं तेरे फील्ड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कान के पर्दे का ऑपरेशन करा है, हम सारी चीजें उसको बता देते हैं, उसके बाद बात आती है सर ये मेरा कार है, ये तो चलता ही। अब दो बातें हैं कि वो इतनी आशा लेकर वहां से आया है, उसको लगता है कि मेरा ये 20-25 हजार का ऑपरेशन निःशुल्क हो जाएगा, वो नहीं होता। ऐसे हर ब्रांच में ENT की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना आपके हड्डी का ऑपरेशन नहीं है, ना आपके पॉलिप का ऑपरेशन, लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है वो सर्जरी, लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। आपको वही किसी वही बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको क्यों नहीं कोई अलर्ट करता बताइए, गवर्नमेंट से पूछते कभी हम तो पूछते हमको तो कोई जवाब देते नहीं है किस वजह से उन्होंने हटा रखे। मेरी फील्ड में केवल एक कैरेट का ऑपरेशन दे रखा है, बाकी नाक पांच करने का कोई ऑपरेशन उसमें नहीं है, तो 25 लाख का ऑपरेशन कर रहा हूँ। इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है, आप भी कभी किसी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है तब आप लोगों को अलग से सुन रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टेंशन ही नहीं है और प्लस पैसे भी नहीं इलाज के और पूरी तरह से रिलाय करते हैं वो इस मुख्यमंत्री4 अप्रैल 2023 को जो समझौता हुआ था उस ऐतिहासिक आंदोलन में, तो उसके हिसाब से हम ये चाहते हैं कि फायर NOC जो 1 साल के लिए की गई थी, जिसका कुछ पास भी हुआ है, वो अपलोड हो, सिंगल विंडो के द्वारा हॉस्पिटल्स का काम हो, ग्रीवेंसेस भी सिंगल विंडो पे सुनी जाए, पुलिस केसेस जो हमारे साथियों के ऊपर हुए हैं वो वापस हों, और कोटा मॉडल के अनुसार या जिस भी प्रकार से कोई नया अमेंडमेंट हो के रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड एट वेरियस प्लेसेस इन राजस्थान उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो हमारे छोटे क्लिनिक हैं, छोटे अस्पताल हैं 50 बेड से नीचे, उनको सुविधाएं दी जा सके ताकि वो निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को पूरा चिकित्सा सेवाएं दे सके। तो ये समझौता को 1 साल हो गए, चिकित्सक कोई स्ट्राइक पे नहीं है, वो चाहते हैं, कभी भी उन्होंने ऐसी राजनीति भी नहीं लगाई कि इलेक्शन से पहले कोई परस्यू करके स्कीम्स को बंद कर दें, तो हमारी भावना के हिसाब से समझौते का पालन किया जाए, यही हमारी सरकार।